हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू चिल्ड्रन? आई होप फिट एंड फाइन। बच्चों, हमने ये चैप्टर पढ़ा बाबा आमटे के बारे में। बाबा आमटे गरीब और निर्धन व्यक्तियों की हमेशा सेवा करते थे। कुष्ठ रोगियों की सेवा करने में उन्होंने अपना पूरा जीवन दे दिया। मुरलीधर को बाबा कहकर कौन पुकारती थी? अब आप इसका अभ्यास करेंगे। पेज नंबर 61, 62 और 63 आज हम करेंगे। पेज नंबर 61 की एक्सरसाइज है, देखिए। आप अपनी बुक ओपन करिए और साथ में मेरे साथ साथ आप भी इसे क ख ग जो ऑप्शन वाले क्वेश्चन है इस पर टिक करेंगे। मुरलीधर को बाबा कहकर कौन पुकारती थी? अब जो मुरलीधर कौन थे? बाबा आमटे। उनका पूरा नाम था मुरलीधर देवीदास बाबा आमटे। तो उनको बाबा कौन कहती थी? उनकी माँ कहती थी, इसीलिए उनका नाम बाबा आमटे हो गया। बालक मुरलीधर पिता के साथ किस पर बैठकर खेत जाया करते थे? किस पर बैठ के जाते थे? बैलगाड़ी पर बैठ के जाते थे। युवा अवस्था में मुरलीधर पर किसका प्रभाव पड़ा? महात्मा गांधी का, पिता का या नेहरू का? तो मुरलीधर पर युवा अवस्था में महात्मा गांधी का प्रभाव पड़ा। महात्मा गांधी को देखकर ही वह अपने जीवन में कुछ उन्होंने अच्छी बातें सीखी और अपने जीवन में उतारी। बाबा आमटे के आश्रम का नाम है, अब बताइए। बाबा आमटे का जो आश्रम था जिसमें सभी रोगी रहते थे और उनके लिए खेती का भी प्रबंध किया गया ताकि उनके रोजगार की व्यवस्था बैठ सके। उनके विद्यालय, खेलकूद, उनके सारे बच्चों का सबका प्रबंध किया गया। ऐसा इतना बड़ा उनका आश्रम था। तो उस आश्रम का नाम क्या था? उस आश्रम का नाम था आनंद वन। अब आते हैं हम पेज नंबर 62 पर। देखिए बच्चों, अब आते हैं उल्टे अर्थ वाले यानी कि विलोम शब्द। अंधेरा, अब आप भी इस बुक में जैसा लिखा हुआ है आप भी फील कर सकते हैं। आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा इस वीडियो में, तो अपनी बुक का पेज नंबर 62 ओपन करेंगे। अंधेरा, अंधेरा का अपोजिट क्या होता है? प्रकाश, यानी अंधेरा और उजाला या प्रकाश भी लिख सकते हैं आप। जीवन, मृत्यु, सुख, दुख, गरीब, अमीर, भय, निर्भय। भय का क्या होता है? निर्भय। अब आप देखिए, शब्द बनाओ। दो शब्दों को मिलकर एक शब्द बनाना है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये पशु प्लस घर, तो पशु अलग है और घर अलग है। पशु का भी अर्थ निकलता है कि पशु किसे कहते हैं? हम जानवर को कहते हैं। और घर का भी पूरा सार्थक अर्थ निकल रहा है। घर यानी क्या होता है? घर, सदन, भवन। पर अब इन दोनों को अगर हमने मिला दिया, पशु प्लस घर, तो एक नया ही शब्द रूप बन जाता है, वह होता है पशुघर। तो इसका अर्थ होता है पशुओं के रहने का घर। इस तरीके से हम सारे शब्दों को मिलाते हैं। तो आप ख वाला देखिए, मुरली प्लस घर, मुर्गी घर, सॉरी, मुर्गी प्लस घर, मुर्गी घर। विद्या प्लस आलय, विद्यालय, विद्या प्लस आलय, विद्यालय। हिम प्लस आलय, हिमालय। सभा प्लस ग्रह, सभाग्रह। क्या है ये? सभाग्रह। अब आप देखिए, सही मिलान कीजिए। बच्चों, आपके पेज पर जो पेज नंबर 62 है उसमें सही मिलान, लहराते, स्वास्थ्य, करुण, कानून की, बांस की, केंद्र, पुकार, झोंपड़ी, खेत और शिक्षा। अब लहराते, लहराते क्या है? खेत। स्वास्थ्य क्या है? केंद्र। करुण, पुकार। कानून की, शिक्षा। बांस की झोंपड़ी। तो हम कैसे मिलाएंगे? लहराते खेत, स्वास्थ्य केंद्र, करुण पुकार, कानून की, शिक्षा, बांस की झोंपड़ी। अब आइए आप पेज नंबर 63 पर। वाक्य बनाइए बच्चों, ये है आपका होमवर्क। आज का होमवर्क क्या है आपका? वाक्य बनाइए। सेवा भाव, अब आप सेवा भाव से वाक्य बनाएंगे कि बाबा आमटे के मन में सेवा भाव की भावना थी। कुष्ठ रोगियों को देखकर सबके मन में घृणा उत्पन्न होती है। इस तरीके से आप कुछ भी वाक्य बना सकते हैं। ये भी बना सकते हैं कि कुष्ठ रोगियों की सेवा करना बहुत बड़ा धर्म लगता है। तपस्या, साधु तपस्या कर रहे हैं। परिश्रम, हमें परिश्रम करना चाहिए।
दे रखे हैं आपको बाबा आमटे, बैलगाड़ी, मुरलीधर, हाथ, मुर्गी, प्रकाश, महात्मा गांधी, पशु और पक्षी। इस तरह के जो शब्द हैं उन शब्दों को आपको इस कॉलम में फिल करना है। व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक में क्या होता है, बाबा आमटे, मुरलीधर, प्रकाश, महात्मा गांधी, ये किस में से हमने फिल करें, इसमें से फिल करें। जातिवाचक, जातिवाचक संज्ञा क्या है, हाथ, आप देखो हाथ क्या है, जातिवाचक, पशु, पक्षी, मुर्गी और बैलगाड़ी, ये सब क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। और व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी भी व्यक्ति का नाम आता है। तो आपने देखा बच्चों, हमने इसकी एक्सरसाइज करी है, पेज नंबर 61, 62 और 63। अब आपको ये फील करना है, कल हम जो वीडियो बनाएंगे इसमें इसके आगे का अभ्यास कार्य करेंगे या क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। थैंक यू।